हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 8 कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट वन कर लिए थे, यानी 20 क्वेश्चंस कर लिए थे इस टेस्ट के। 21 से शुरू करते हैं, ठीक। चलिए भाई शुरू करते हैं। 2021 में इस तरफ लिखा हुआ है, मैचिंग का क्वेश्चन है, आसान है, कई बार कर चुके हैं इसको। ये जो आपको दिख रहे हैं क्या है, ये महाजनपद हैं, ठीक है। महाजनपद कितने थे, 16 थे। इनका टाइम फ्रेम बताएंगे, टाइम फ्रेम वही था 600 BC, ठीक है। 600 BC से 300 BC तक ये ऑपरेशन में रहे, ये महाजनपद, ठीक है। एक महाजनपद का संबंध महात्मा बुद्ध का भी था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का टाइम फ्रेम क्या है, इनका इनका बर्थ कब हुआ था बताएंगे, 563 BC में, ठीक है। 563 BC में। आइए जल्दी से 16 महाजनपद जो थे वो जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि कैपिटल वगैरह पूछता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आराम से देखते रहना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आपको 16 महाजनपद में से एक महाजनपद साउथ में दिख रहा है, ठीक है ना, वो है अस्मक, ठीक है। अस्मक इसके बारे में क्या पूछता है कि सबसे साउथ में लोकेटेड कौन सा महाजनपद है, तो अस्मक लगा देना, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस में दिए हैं बस वही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोग देख लेना सारा, ठीक। एक कैपिटल इंद्रप्रस्थ का पूछा है, इंद्रप्रस्थ कहाँ की कैपिटल है, कहाँ की थी, किस महाजनपद की थी, ये कुरु की थी, ठीक है, कुरु महाजनपद की थी, ठीक है। एक ये ऑप्शन है। अगर आज के समय की बात करें तो कौन सा यहाँ पर जगह आता है, ये लोकेशन कहाँ की दिख रही है आपको, दिल्ली की, ठीक है, हरियाणा की, ठीक है, पंजाब की, याद रहेगा ये क्षेत्र जो है वो कुरु में आता था, और कुछ भाग वेस्टर्न यूपी के भी आते थे, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे वेस्टर्न यूपी, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कौशाम्बी, कौशाम्बी आपको दिख रहा है, कौशाम्बी किसकी कैपिटल थी, किस महाजनपद की कैपिटल थी, वत्स की थी, ठीक है, वत्स। कौशाम्बी से तो आप लोग समझ रहे होंगे, यानी इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, ठीक है, इलाहाबाद वाला क्षेत्र। एक ऑप्शन में आपको आई क्षेत्र मिलेगा, आई क्षेत्र लिखा हुआ दिख रहा है, और जूम कर दें, आई क्षेत्र किस महाजनपद की कैपिटल है, पांचाल की, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है आई क्षेत्र, ठीक। इस वाले रीजन में आपको यूपी के क्षेत्र मिल जाएंगे, जैसे बदायूं मिल जाएगा, ठीक है, बदायूं और फरुखाबाद, ठीक, याद रहेगा। और लास्ट ऑप्शन में क्या था, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती कहाँ पे है जल्दी से बताएंगे, श्रावस्ती की लोकेशन आपको ये दिख रही है, ठीक है। श्रावस्ती किस महाजनपद की कैपिटल थी, कौशल की, ठीक है, कौशल। और इसका मेन रीजन क्या था, अभी आज के दिन में अगर देखें, गोरखपुर, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद देख लेना आप लोग, ठीक। आप क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, महात्मा बुद्ध के समय पर कौशल के राजा कौन थे, आपने इनका नाम सुना होगा, प्रसेनजीत का, है ना, प्रसेनजीत राजा हुआ करते थे। और ये सब जो आपको 16 महाजनपद दिख रहे हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिली कहाँ से, अभी आप लोग जो हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, टेक्स्ट से मिली होगी ना, और वो टेक्स्ट कौन सा था, महात्मा बुद्ध साहब का ही टेक्स्ट था, ठीक है। कौन सा पूछता है, पूछता है क्वेश्चन में, अगुत्तर निकाय, याद आ रहा, अगुत्तर निकाय में लिखा है इन सब महाजनपदों के बारे में, ठीक है। और आपको पता है महात्मा बुद्ध का जो टाइम फ्रेम था, यानी महावीर स्वामी का भी टाइम इन्हीं के पैरेलल में था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, महात्मा बुद्ध का टाइम है 563 BC, ठीक है, और महावीर स्वामी साहब का जो टाइम है वो कितना है, 599 BC, ठीक है। तो बड़ा कौन हुआ, महावीर स्वामी जो है वो बड़े थे, ठीक है, बहुत बड़े थे महात्मा बुद्ध साहब से एज में, ठीक है। और महावीर स्वामी का तो जन्म ही यहाँ हुआ था वैशाली में, जो कुंडग्राम पढ़ते रहे, तो याद आ रहा, कुंडग्राम वैशाली, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, महावीर स्वामी हो या फिर महात्मा बुद्ध साहब हो या फिर कोई भी महानात्मा हो, आप इन सभी लोगों का डेट ऑफ ईयर पढ़ते हैं, है ना, डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं पढ़ा, डेट ऑफ बर्थ पढ़ा है, किस किस तारीख को पैदा हुए पता है क्या इनका, नहीं पता, कभी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि है ही नहीं ना, ऐसे टेक्स्ट ही नहीं मिले जिसमें डेट लिखा हो उनका। और ये बर्थ ईयर भी एजम्पशन बेस्ड है, बिल्कुल फिक्स नहीं है, 563 BC है, 564 भी हो सकता है, या 562 भी हो सकता है। तो जब हिस्ट्री को ईयर नहीं पता एग्जैक्टली, तो डेट क्या पता होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लो जल्दी से, तो जल्दी से मिला ये बस देखे थे ना, इलाहाबाद वाला रीजन, एक कौसम भी हो गया, ठीक है, डी का 2 मिला दीजिए, डी का 2 एक ही ऑप्शन में, आंसर तो मिल गया। मैचिंग में ऐसे ही फायदा होता है, यदि एक भी आता, दो भी आते ना, तो आपका काम बन जाता है। खैर ये तो पुराना क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। इंद्रप्रस्थ कहाँ के कैपिटल पढ़े थे आप, कुरु के पढ़े थे, दिल्ली वाला रीजन, हरियाणा पंजाब वाला, ठीक है, तो 1 का 4 हो जाएगा। पांचाल आपने देखा था, आई छत्र था, ठीक है, और कौशल श्रावस्ती था, ऑप्शन भी हो गया, ठीक। चले आगे, चलिए 22 देखिए जल्दी से। यूनानियों के आक्रमण के पश्चात, यूनान यूनान समझ रहे ना, यूनान यानी आज का ग्रीस, ठीक है, जहाँ के सिकंदर साहब थे, ठीक है, सिकंदर, इनको अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर। और इनके गुरु कौन थे, अरस्तु पढ़ते हो ना, अरस्तु, इनको अरिस्टोटल बोलते हैं, ठीक है, अरिस्टोटल। और आपको झेलम का युद्ध याद आ रहा, झेलम का युद्ध बिल्कुल याद आ रहा होगा, 326 BC, और ये टाइम फ्रेम क्या है, ये महाजनपद का टाइम है, 600 BC से 300 पड़े हो ना, 300 BC, तो उसी टाइम पे इनका भी चल रहा था खेल, तो ये अपना काम कर रहे थे, महाजनपद वाले अपना काम कर रहे थे, महात्मा बुद्ध और
महावीर स्वामी लोग अपना काम कर रहे थे एक ही समय पर। खैर जब इन्होंने युद्ध किया तब तो नहीं थे दोनों लोग। तो झेलम का युद्ध याद रखा करें, ठीक है? झेलम का 326 BC, यहाँ पे क्या हुआ था? आपने राजा पोरस का नाम सुनते रहते होंगे आप, है ना? राजा पोरस से इनकी लड़ाई हुई थी इंडिया में जैसे एंट्री किए थे। खैर राजा पोरस हार गए थे। मैं ये बात किस लिए बता रहा हूँ, मैं इनका ट्रैवल रूट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? झेलम का युद्ध हुआ यानी ये इंडिया में आ गए, ठीक है? तो ये युद्ध हुआ कहाँ पर, तो ये आए कहाँ से? आप जो हमेशा पढ़ते रहते हैं अफगानिस्तान बॉर्डर, अफगानिस्तान में कौन सा दर्रा है? खैबर, याद आ रहा? हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, इमेज वगैरह भी देखी थी। खैबर दर्रा, खैबर पास, यहीं से एंट्री करते थे सब। तो रास्ता पता चल गया था, ठीक है? मेन पॉइंट क्या है बताने का, ये सब रास्ता पता चल गया था उस तरफ जाने के लिए। यदि इंडिया से आपको यूरोप साइड जाना है तो खैबर दर्रा से जाइए, यानी हम लोगों को भी रूट पता चल गया। खैर इस दर्रे से फ़ायदा तो कभी हुआ ही नहीं, हमेशा नुकसान ही हुआ है, क्योंकि जो भी आया यहीं से आया और यहीं से लूटा लुटाई की, ठीक है? और अफगानिस्तान में एक बहुत अच्छी जगह है गांधार, ठीक है? गांधार शैली के बारे में हम लोग परिचित हुए क्योंकि जगह पता चल गई थी, तो फिर आना जाना तो लगा ही रहता होगा ना भाई, वहाँ के लोग आ रहे हैं यहाँ के लोग जा रहे हैं, तो शैली का पता चला गांधार शैली का, तो इंडिया में भी गांधार शैली का विकास हुआ। और आपने एक फैक्टर पढ़ा होगा कि ग्रीस को किस नाम से जाना जाता है, ग्रीस को दुनिया की पहली ऐसी जगह माना जाता है जहाँ पर सिक्कों का विकास हुआ है ना, मुद्रा का विकास हुआ। तो मुद्रा निर्माण की जो कलाएँ थी, टेक्निक्स थी, तो पॉइंट भी में देख रहा आपको, मुद्रा निर्माण गांधार शैली का विकास, सी पॉइंट में, तो इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक ठीक है? और सिकंदर साहब जब अटैक किए तो अटैक के बाद फ्रेजल्स के आते हैं, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनका इंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, है ना? तो ये भी इफेक्ट दिखा था, ठीक है? ठीक, लास्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन लगा है, लेकिन यूनानियों के पहले भी या फिर ग्रीस से पहले भी आक्रमण हो चुके थे किसके? ईरानियन के, ईरानियन के, इनको पर्सियन भी बोलते हैं, ठीक है? पर्सियन। सबसे पहले इन्वेड इंडिया पे किसने किया था? इनने किया था, पर्सियन लोगों ने, ठीक है? आप पर्सियन किंग पढ़ते होंगे, दो राजाओं का नाम जरूर पढ़ते होंगे, एक का नाम था डेरियस, ठीक है, याद आ रहा? डेरियस, और दो पहले का नाम था साइरस, ठीक है? साइरस, जिन्होंने इंडिया पे पहले इन्वेड किया था, सबसे पहले इन्वेजन जो हुआ था इंडिया पे वो पर्सियन इन्वेजन था, ठीक है? तो समुद्री मार्गों का पता तो इन्हीं के आक्रमण के समय पर चल गया था, ठीक? आपने अलेक्जेंडर को पढ़ा, सिकंदर को पढ़ा, इंडिया पे इन्वेड कब किया, आक्रमण कब किया? 327 BC में, है ना? और वो पर्सियन किंग थे साइरस साहब, साइरस ने कब किया था अटैक इंडिया पे? 550 BC में, देख रहे हैं टाइम टाइम फ्रेम, बहुत 200 साल पहले, सवा 200 साल पहले, 250 साल पहले ये युद्ध लड़ गए थे। युद्ध क्या, अटैक अटैक करते थे, लुटेरे थे भाई, तो क्या करेंगे, लूट लाट के ले जाते थे सब, सोने की चिड़िया समझ रहे हो ना, सोने की चिड़िया किसे बोलते थे? इंडिया को, इसी टाइम पे बोलते थे सोने की चिड़िया पे। सोने की चिड़िया भारत को क्यों बोलते थे? इसी के वजह से बोलते थे, धन की अपार संपदा थी, ठीक है? संपत्ति, इसमें भारत की GDP आंकी गई है, ठीक है? टेक्स्ट में लिखा है, बुक्स में लिखा है, इस समय पर भारत की GDP हुआ करती थी 1600 अमेरिकन डॉलर पर कैपिटा, समझ रहे हैं? बहुत भयंकर। तो सब लूट लाट लिए भाई लोग, ठीक है? और इन लोगों ने सोने की चिड़िया को माटी की चिड़िया बना दिया, ठीक है? सीख लिए, अब जल्दी से कर लें क्वेश्चन। चलिए जल्दी से पहला पॉइंट पढ़िए, वेस्ट क्या लगा, पश्चिम उत्तर यानी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट भारत में छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण, अटैक ही यहाँ से होता था, ठीक है? इस तरफ से अटैक ही होता था, एक ही रास्ता ही था, ठीक है? तो ये तीन पॉइंट हम लोगों ने सीख लिए थे। चौथा पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा, समुद्री मार्ग की खोज जो हुई थी वो ईरान के समय पे, यानी ईरानियन ने जब अटैक किया था, पर्सियन ने जब अटैक किया था तभी भी समुद्री मार्ग की खोज हो गई थी, ठीक है? तो यहाँ पे नहीं पूछा था, तो नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन है, ठीक है? बाकी तीन तो ये सही हैं, यानी ये यूनान के समय पे हुआ था, यूनान अटैक के बाद, और ये पर्सियन, ठीक है? समझ में आया, चलो आगे करो जल्दी से। 23, चंद्रमा पर मून पर एटमोसफियर नहीं होने का क्या कारण है? पहले तो ये बताइए, पृथ्वी का एटमोसफियर से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के एटमोसफियर के बारे में आप लोग जानते हैं कि यहाँ का एटमोसफियर जो है वो लेयर के फॉर्म में है। एटमोस्फेरिक लेयर्स पढ़ते हो ना, IMST पढ़ते हो ना, IMST यानी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, ठीक है? इसको थर्मोस्फियर भी बोलते हैं। उसके ऊपर जाओगे तो आपको एक्सोस्फियर मिलेगा, यानी अर्थ का जो एटमोसफियर है वो लेयर्स के फॉर्म में है, और एक्सोस्फियर की अगर आप हाइट देखेंगे तो कितना है, 920 माइल्स से 6200 माइल्स तक है, माइल्स, ठीक है? यानी ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, छोटी हाइट नहीं है, अर्थ का एटमोसफियर बहुत एक्सटेंडेड है। और ये लेयर जो है वो बंदी क्यों है, क्यों बनी अर्थ से, क्यों क्यों बाहर नहीं जा रही हैं, क्यों उड़ नहीं जा रही हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के कारण हो पाता है, वो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? किसी भी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी, एटमॉस्फेयर वहाँ का उतना ही तगड़ा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही ऐसी चीज़ है जो इन लेयर्स को बांधे हुए है, ठीक है? और अर्थ का साइज आप जान रहे हैं और मून का साइज आप जान रहे हैं, अर्थ के कोर में क्या है आप जान रहे हैं, नीफे, निकल एंड फेरस, इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। अदर साइड आइए, मून में क्या है, मून की कोर है वो भी निकल और फेरस की बनी है, ठीक है? अच्छी बात है, इनके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन साइज भी तो देखो, साइज है चिन्नू घर का, तो साइज कम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है,
ठीक है, बहुत कम है। और उसके पास जो भी एटमॉस्फियर है, मून के पास जो भी एटमॉस्फियर है, उस एटमॉस्फियर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको बांधे नहीं रख पाती है, ठीक है। ये एक जगह इकट्ठे रह ही नहीं पाते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एयर वगैरह सब डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है, आउटर स्पेस में डिस्पर्स हो जाती है। यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लीजिए तो आपको डी ऑप्शन लगेगा, चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन। देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो थोड़ा टेक्निकल लिखा है, तो उस टेक्निकल को मारो गोली, ठीक है। इसका मतलब जो है वो वही है जो हम लोगों ने अभी समझा, ठीक। ये ऑप्शन तो ऐसे बना रहे हैं जैसे कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सिविल के हिसाब से इस तरह का ऑप्शन सूट नहीं कर रहा, ठीक है। खैर आंसर यही है, ठीक। अणु का पलायन देखे ना हम लोग, डिस्पर्सन देखे ना, डिस्पर्स हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बांध के नहीं रख पाती है मून की, ठीक है। चलिए 24 आइए, यहाँ पे लिखा है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, यानी NBFC की बात कर रहे हैं, ठीक है। NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के संबंध में कौन सा सही है, यहाँ पर देख लेना। सबसे पहले तो इनका काम सीख लो, ठीक है। इनको नॉन बैंकिंग क्यों बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि बैंक जो काम करते होंगे ये नहीं करती होंगी। बैंक क्या क्या काम करता है, आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं ना, ठीक है, आप बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हैं ना, शादी हो जाएगी, बच्ची होगी तो आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाएंगे ना, ताकि जब वो 21 साल की हो जाए तो सारा पैसा आपको मिल जाए, और उसकी शादी हो या फिर जो भी आपको पढ़ाई लिखाई करानी है उसकी, तो उसके लिए वो आपका पैसा हो जाएगा। आप बैंक में जाके पैसा जमा करते हो ना, यानी डिपॉजिट करते हो ना, बिल्कुल करते हो। आप जब ज़रूरत होती है तो विड्रॉल करते हो ना, बिल्कुल करते हो, विड्रॉल भी करते हो। तो ये तो बैंक के काम आपने सीख लिए, ठीक है। अब नॉन बैंकिंग में क्या हो जाएगा, नॉन बैंकिंग में आपको इन्हीं सब पे कट कर देना है, ऐसे सेविंग अकाउंट कोई सुविधा नहीं, करंट अकाउंट कोई सुविधा नहीं, कोई इस तरह की स्कीम है कोई सुविधा नहीं, डिपॉजिट कर सकते हो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तो यही नॉन बैंकिंग का काम हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया, तो फिर NBFC का काम क्या है भैया, NBFC का हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। LIC का नाम सुने हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी इंश्योरेंस जो कंपनी है वो सारी की सारी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ठीक। और NBFC की उत्पत्ति ही कंपनी एक्ट से हुई है, ठीक है, कंपनी एक्ट से, कंपनी एक्ट बताएंगे 1956 का, पूछता रहता याद रखना, ठीक है। तो जब ये सब सुविधाएं NBFC दे नहीं रही है तो इनके आगे ये गैर बैंकिंग लिखने की क्या जरूरत थी, इसको नहीं भी लिखते तो भी तो काम चलता, इतना ही लिख देते फाइनेंशियल कंपनीज। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अभी देखेंगे तो NBFC के जो काम है वो कुछ हद तक बैंकिंग से मिलते हैं, ठीक है, कुछ हद तक, ये सब तो नहीं है, ठीक है, ये सब तो नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो बैंकिंग वाले कामों से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि उत्पत्ति तो कंपनी एक्ट से हो रही है ना, तो बैंक का लाइसेंस कैसे दे देंगे, कंपनी का लाइसेंस देंगे ना भाई। तो ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो बैंक की तरह मिलती जुलती हैं जो NBFC करती है, लोन की, ठीक है, लोन सुविधा यहाँ पे है NBFC में। बैंक में आप एक चीज़ और पढ़ेंगे, बैंकों के काम क्या पढ़े हैं, चेक बनवाते हो ना, बिल्कुल बनवाते हो, NBFC चेक नहीं बनवा सकती, बैंक बनवा सकते, ठीक है। और क्या करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं ना, डिमांड ड्राफ्ट बैंकिंग सर्विस है लेकिन NBFC में नहीं है, ठीक। LIC में जाते हो क्या DD बनवाने या चेक बनवाने, नहीं जाते हो ना, ठीक है। तो आपने NBFC के कुछ काम पढ़े जो बैंकिंग की तरह मिलते जुलते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह हुआ, क्रेडिट फैसिलिटी, लोन वाली सुविधा हुई, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट सर्विस मिल जाएगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सर्विस मिल जाएगी। आप साहूकारी समझते हैं, साहूकारी, अभी भी बहुत बड़े बड़े साहूकार ऐसे हैं जिनसे लोग पैसा लेते हैं उधार, क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करते हैं अपनी दुकान वकान खोलने के लिए, अपना कुछ काम करने के लिए, लेकिन ये साहूकार जो लोग हैं वो बैंक नहीं है। सिंपल शब्द में यदि NBFC बताऊँ तो क्या है, साहूकारी, आज के टेक्निकल फॉर्म में, नए फॉर्म में साहूकार NBFC हैं जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन काम सारे बैंक वाले कर रहे हैं कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। तो पुराने समय में भी बहुत बड़े लेंडर हुआ करते थे और आज के समय में भी लेंडर हैं, ठीक है, अभी भी बहुत लोग पैसा अवेल करते हैं, ठीक है, बैंक में जाने से अच्छा है तो उन्हीं से ले लो, मतलब मैं लिंक करने के लिए एग्जांपल बताया हूँ भाई, ठीक है, पूरा कंपेयर ही ना कर डालना, ठीक है। अब जल्दी से कर लीजिए, ये कबड्डी को मिटा दें पहले, अब जल्दी से पॉइंट पढ़िए, जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आप लोग पढ़ो पहला पॉइंट। ये मांग जमाएं स्वीकार नहीं करती हैं, तो आपने सीखा ना अभी, डिपॉजिट नहीं कर सकते हो बैंक की तरह, जाके पैसा जमा कर लो, निकालो जब जरूरत पड़े, तो यहाँ पे नहीं होता, NBFC में नहीं होता। तो यहाँ पे सही तो लिखा है, ये मांग जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल NBFC जमाएं स्वीकार नहीं करती है, ठीक। दूसरा पॉइंट है ये भुगतान यानी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट और सेटलमेंट का भाग नहीं है, और यहाँ पे चेक चेक जारी नहीं कर सकती है NBFC, तो ये सब सीख लिया हम लोगों ने, दोनों पॉइंट ठीक है, ठीक। तो आंसर हो गया सी पॉइंट, एक और दो दोनों। चलिए 25 कीजिए जल्दी से, निम्नलिखित में से इंटरपोल किससे संबंधित है, तो सबसे पहले तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर बता दीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन में, ठीक है, लियोन पढ़ते रहते ना, LYON कहाँ पे, ये फ्रांस में, ठीक है। इंटरपोल का फुल फॉर्म जाने रहेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का, इंटरपोल, इंटर से इंटरनेशनल, POL से पुलिस, ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये काम क्या करती है, ये पुलिस कोऑपरेशन के लिए काम करती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और पुलिस का काम क्या है, क्राइम कंट्रोल, ठीक है, क्राइम कंट्रोल, तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कोऑपरेशन की सुविधा प्रदान करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए हेडक्वार्टर याद रखना, 26 देखिए किधर गया, इधर है। निम्नलिखित में से सरकार द्वारा घाटी के वित्त पोषण से संभावित प्रभाव कौन कौन से हैं, घाटी के वित्त पोषण यानी
डेफिसिट फाइनेंसिंग, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डेफिसिट फाइनेंसिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीखना जरूरी है। डेफिसिट तो समझ रहे होंगे, हिंदी में लिखा ही ऊपर, घाटा। घाटा कब होगा गवर्नमेंट को? जब आमदनी कम हो जाएगी, ठीक है, और खर्चे बढ़ जाएंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और रेवेन्यू कम रहेगा तो घाटा हो जाएगा, है ना। तो आमदनी से खर्चा अगर निकाल देते हैं और जो पैसा बचता है तो पॉजिटिव आएगा, तो इसको बोल देते हैं मुनाफा, ठीक है, इसको मुनाफा बोल देते हैं। अगर खर्चा कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो क्या होगा, घाटा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको नुकसान बोल देते हैं, ठीक। तो इसी नुकसान को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हथकंडे अपनाती है, ठीक है, इधर उधर से पैसा जुटाने की कोशिश करती है ताकि ये नुकसान जो हुआ है, घाटा जो हुआ है वो कम हो सके, ठीक है, कम से कम हो सके। इसी चीज़ को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंस, ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं घाटे को फाइनेंस करना, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग। इतना क्लियर है? यदि हम अपनी बात करें या फिर आपकी बात करें या फिर एक आम नागरिक की बात करें, यदि उसके खर्चा बहुत ज़्यादा है तो वो क्या क्या करेगा भाई खर्चा बचाने के लिए? इसके पास तो एक ही टेक्निक है, जो इसके एक्स्ट्रा खर्च हो रहे थे उन्हीं को कम करे तो खर्चा कम हो जाएगा। सब्जी लेने स्कूटी से जा रहा तो भाई स्कूटी से ना जाए, पैदल चला जाए, खर्चा बच जाएगा, ठीक है, खर्चा बच जाएगा। दिन भर में चार बीड़ी फूंक रहा है तो चार बीड़ी ना फूंके, एक बीड़ी फूंके, खर्चा बच जाएगा। महीने में चार पार्टी कर रहा है दोस्तों के साथ, भैया चार ना करो, एक करो, पैसा कम खर्च होगा, ठीक है, खर्चा बच जाएगा। अब इस इंसान के पास पैसे छापने की मशीन तो है नहीं, नहीं तो वो पैसा भी छाप लेता, तो यही सब काम गवर्नमेंट कर दे तो गवर्नमेंट का खर्चा कम हो जाएगा, रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है, नुकसान से मुनाफे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि सरकार के रेवेन्यू कब कम हो जाते हैं। अगर आपका वेतन 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 20% टैक्स देना है, ठीक है, यही टैक्स यदि 30% कर दे गवर्नमेंट, ठीक है, तो भूचाल आ जाएगा पब्लिक में, लेकिन सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि यही टैक्स 20% जो अभी लग रहा है 5 लाख से ऊपर वालों को, यही 10% कर दे तो पब्लिक में बल्ले बल्ले हो जाएगी, पार्टी कर लेंगे तुरंत, लेकिन सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो सरकार को तो नुकसान हो गया। देश के अंदर टैक्स इवेजन भी बहुत हो रहा है, टैक्स की चोरी भी बहुत हो रही है, टैक्स की चोरी होगी तो सरकार के खाते में पैसा नहीं आएगा तो रेवेन्यू घट जाएगा, ठीक है, तो सरकार घाटे में आ जाएगी। यदि सरकार वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, बेवजह का खर्चा कर रही है, तब भी रेवेन्यू घट जाएगा, ठीक है। मोदी जी बगल के देश में गए, बांग्लादेश गए, 1,000 करोड़ रुपये दिया है, नुकसान हो जाएगा, खर्चा बढ़ गया। अफगानिस्तान गए, ब्रिज बनवा दिए, पुल बनवा दिए, ठीक है, डैम बनवा दिए, खर्चा बढ़ गया सरकार का। एक कारण और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट की इनफिशियंसी, ठीक है, इनफिशियंट है गवर्नमेंट। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को, वहाँ कर ही नहीं रही है। मतलब मैं गवर्नमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, किसी मोदी जी को अलग से नहीं बोल रहा हूँ, उनके प्लान्स, उनके बिजनेस अपने आप में अलग चीज़ है, ठीक। एक काम और गवर्नमेंट कर सकती है, पैसे छापने की मशीन तो है ही RBI के पास, है ना, पैसा छपवा ले, ठीक है, पैसा छपवा ले, घाटे को कम कर ले। तो ये सब आपने सीखा कि कैसे खर्चा बढ़ता है, कैसे खर्चा कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को इम्पैक्ट बताना है। क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि सरकार घाटे को कम कर लेगी, ठीक है, फाइनेंस कर लेगी घाटे को, तो उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, वो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब फटाफट कर लो। अगर पहला पॉइंट हम लोग पैसा छपवाने वाली बात करें, प्रिंटिंग ऑफ मनी वाली बात करें, तो प्रिंटिंग ऑफ मनी से आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे नुकसान होते हैं। प्रिंट मनी का मतलब क्या है, सरकार बोलेगी RBI से कि भैया पैसा ज़्यादा छापो, ठीक है, घाटे को कम करो, RBI छाप देगी, सबके हाथ में पैसा आ जाएगा, सबके हाथ में पैसा आ जाएगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, चीज़ें महंगी नहीं हो जाएंगी, बहुत महंगी हो जाएंगी, और चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, तो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी, इन्फ्लेशन में वृद्धि हो जाएगी। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, सबके पास पैसा जब आ जाता है तो किसी एक चीज़ को 72 लोग खड़े हैं खरीदने वाले, है ना, तो चीज़ तो वस्तु की कीमत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो भैया फिर सरकारी कर्मचारी बोलेंगे भैया DA बढ़ाओ, DNS अलाउंस बढ़ाओ, महंगाई भत्ता बढ़ाओ, महंगाई भत्ता बढ़ाओगे तो सरकार को ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो सरकार के और खर्चे बढ़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट पढ़िए, यहाँ पर निर्यात में गिरावट लिखा है, एक्सपोर्ट में गिरावट। आप घाटे को फाइनेंस कर रहे हो, आप घाटे की भरपाई करना है आपको, आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा ना, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा तभी तो पैसा आएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट को घटाओगे थोड़ी ना, तो यहाँ पर तो गिरावट लिखा है, तो गलत लिखा ना ये पॉइंट, ठीक है, तीसरा गलत है, ठीक है। और मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, इसका मतलब है कि आपको कुछ भी इम्पोर्ट करने के लिए, कुछ भी दूसरे देश से खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो आपका जो इम्पोर्ट है या फिर आयात है वो महंगा हो जाएगा, ठीक है, महंगा हो गया ना, पहले हमें 100 रुपये देना पड़ रहा था, अब हमें 150 रुपये देना पड़ रहा, तो महंगा हो गया कि नहीं, तो यहाँ तो सस्ता आयात लिखा है, तो गलत लिखा है कि नहीं। चौथे पॉइंट में देखिए, आप घाटे का वित्त पोषण करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जिससे वस्तु का उत्पादन में कमी हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर चौथा पॉइंट भी मुझे ठीक लग रहा, ठीक। सॉल्यूशन वाले सर पहला पॉइंट दिए, आप इसको थोड़ा सा मुझे असिस्ट करना, मेरे हिसाब से एक तो सही है ही, चौथा भी सही है, ठीक है, तो आप लोग इसको बताना, ठीक है, ये होमवर्क है आपका। चलिए आगे आ जाइए, 27 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेरोजगारी के बारे में पूछ रहे हैं। आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए, एक इंसान है जिसकी नौकरी 1960 में लगी थी, ठीक है, 60 साल नौकरी करेगा, 60 साल बाद क्या आ जाएगा, 2020 आ जाएगा। 1960 में क्या टेक्नोलॉजी थी डिपार्टमेंट में और 2020 में क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई, ये डिफरेंस आप लोग समझते हैं, ठीक है।
मान लीजिए 2018 में यहाँ पे पूरा कंप्यूटराइज कर दिया, पूरा कंप्यूटराइज कर दिया, ठीक है। लेकिन 1960 में जिसने ज्वाइन किया था ऑफिस, उसको तो नहीं आएगा ये कंप्यूटर चलाना, ठीक है। वो दूरी भागेगा इससे, वो हमेशा बचने की कोशिश करेगा टेक्नोलॉजी से, टैक से हमेशा बचने की कोशिश करेगा। और ये भी हो सकता है कि वो जॉब क्विट कर दे, है ना, जॉब क्विट कर दे। इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि कोई कंपनी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और स्टाफ के पास कौन सी स्किल है, ठीक है, कौन सी स्किल है, यानी कंपनी की नीड क्या है और स्टाफ के पास स्किल कौन सी है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वही है स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। समझ में आ रहा? हमें काम तो करना आता था लेथ मशीन पे, लेथ मशीन समझते हैं ना आप, अभी ऐसे समझ लें, लेथ मशीन पे लोहे की कटाई बुनाई होती है, बस अभी इतना समझिए, ठीक है। अचानक से कंपनी ने लेथ मशीन को हटा के सारा ऑटोमेटिक कर दिया, सीएनसी मशीन इंस्टॉल कर दी। सीएनसी मशीन देख रहे हैं, यूट्यूब पर देखते रहोगे, कार वगैरह बनती है ऑटोमेटिक, पूरा रोबोटिक टेक्नोलॉजी वहाँ पर इंस्टॉल होती है, पूरा कंप्यूटराइज डिजिटल। तो लेथ मशीन पे काम करने वाले को सीएनसी मशीन कैसे चलाना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझे, कंपनी की नीड है यहाँ पे क्या, सीएनसी वर्कर की, लेकिन यहाँ पे वर्कर में स्किल कौन सी है, लेथ मशीन चलाने की स्किल है। तो इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, वही यहाँ पे जो इंबैलेंस दिख रहा, स्किल्स का इंबैलेंस दिख रहा, वही है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सीख लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी पॉइंट हो जाएगा जो आपको लिखा हुआ दिख रहा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। उपलब्ध नौकरियों और बेरोजगारों के कौशल स्तरों के बीच असंतुलन, इंबैलेंस, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मद है, भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में चालू खाते के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, चालू खाते यानी करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हैं ना, अगर इन शॉर्ट समझे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो वो बहुत आसान है। एक सिंपल सा एक शॉप का एग्जाम्पल ले सकते हो, दुकान का एग्जाम्पल ले सकते हो, उस दुकान में कितना माल सेल हो रहा है, ठीक है, कितना वो बाय कर रहा है, तो सेल और बाय का वो पूरा हिसाब रखता है एक डायरी में, रखता है ना डायरी में, एक तरह से वो क्या होती है उसकी उसकी बैलेंस शीट होती है वो, ठीक है, बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बैलेंस और पेमेंट भी क्या है, बैलेंस शीट है, ठीक है। पहली चीज़ बैलेंस शीट किस चीज़ की है, आपके देश में इंटरनेशनल ट्रेड जितनी भी हो रही हैं, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट है, इतना चीज़ क्लियर। अब आपको ये समझ लेना कि इंटरनेशनल ट्रेड में हो क्या क्या रहा। तो इंटरनेशनल ट्रेड में इम्पोर्ट भी हो रहा, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन किन चीज़ों का, ये भी आपको जानना जरूरी है। दो चीज़ों का हो रहा है, एक तो गुड्स का हो रहा है यानी सामान का, और दूसरा हो रहा है सर्विस का, सेवा का, ठीक, इतना चीज़ क्लियर। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जब गुड्स का होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग विजिबल ट्रेड, ठीक है, विजिबल ट्रेड, क्योंकि दिखता है। और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अगर सर्विस का हो रहा है तो उसे बोलते हैं इनविजिबल ट्रेड, ठीक है, इनविजिबल ट्रेड। तो ये सब चीज़ें आती हैं करंट अकाउंट में, ठीक है, करंट अकाउंट में। आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। बैलेंस और पेमेंट दोनों को मिला के बनता है। बैलेंस और पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या बताना है, सिर्फ करंट अकाउंट के बारे में बताना है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी करंट अकाउंट जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन। आपने गुड्स को बेचा, आपको पैसा मिल गया, ठीक है, या आपने गुड्स को खरीदा किसी देश से, आपने तुरंत पैसा उसको भेज दिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन हो रहा है ना। तो आप जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपको आसान लगेगा। सॉफ्टवेयर सर्विस जो है वो यहाँ पे आ गई, सर्विस में यहाँ पे अकाउंट हो जाएंगे, ठीक है, इनविजिबल सर्विस है लेकिन करंट अकाउंट में तो आ गया ना। बैंकिंग और ये आपका इंश्योरेंस चार्ज जो है, ये भी क्या है, ये सर्विस है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपने लोन दिया है, उससे ब्याज जो मिल रहा है वो भी करंट अकाउंट में काउंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये जो ऋण ऋण वाली जो बात हो रही, लोन वाली जो बात हो रही, यहाँ पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो मान के चलना ये शॉर्ट टर्म ही है, ऐसे यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोग शॉर्ट टर्म मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको काउंट कर ले रहे हैं। और पर्यटक द्वारा किया गया है, ये भी आपका करंट अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। कैपिटल अकाउंट के बारे में बाद में समझेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, नहीं तो अभी बहुत समय चला जाएगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए 29 जल्दी से देखिए, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं ना, इनर लाइन परमिट कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या था, ये परमिशन लेटर था, ठीक है, परमिशन लेटर। किस चीज़ के लिए परमिशन लेटर, एंट्री करने के लिए। कहाँ पर एंट्री करने के लिए, क्षेत्र में, एरिया में, किसके क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, ये जो चार स्टेट दिख रहे हैं, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ के कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हैं, ठीक है। वहाँ पे यदि आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको परमिशन लेटर चाहिए, ठीक है, यानी ILP चाहिए, ना लाइन परमिट चाहिए, तब जाके आप एंट्री कर पाओगे इन क्षेत्रों में, इनके क्षेत्रों में, ठीक। ILP के बारे में हम लोगों को एक चीज़ और सीखना, व्यवस्था है, ये व्यवस्था इंडियंस के लिए, ठीक है, ये नॉन इंडियंस के लिए नहीं है, पहली चीज़, ये इंडियंस के लिए है। और कैसे इंडियंस के लिए, जो इन चार क्षेत्र के रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, इंडियंस तो हैं लेकिन इन चार क्षेत्रों के रेजिडेंट नहीं है, रहने वाले नहीं हैं आगे, दूसरे स्टेट्स के। तो दूसरे स्टेट्स का यदि कोई नागरिक इन क्षेत्रों में जाएगा तो उसको ILP की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ और होती है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, PAP, ठीक है, जो आपको ऑप्शन वन में दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है ये एलियंस के लिए, ठीक है, एलियंस के लिए, यानी ये नॉन इंडियंस के लिए है, ठीक है, फ़र्क समझ में आ रहा है दोनों में, ये नॉन इंडियंस के लिए। और ये लागू कहाँ होता है, ये भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए लागू है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं, कौन,
जो विदेशी लोग हैं उनके लिए पीएपी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तभी वो यात्रा कर पाएंगे उन क्षेत्रों में, प्रोटेक्टेड एरिया में। तो इन दोनों में फ़र्क समझ में आया। आईएलपी उनको ज़रूरत पड़ती है जो इन चारों क्षेत्रों के रेजिडेंट नहीं है लेकिन इंडियंस हैं, ठीक है, और पीएपी किसके लिए, ये विदेशियों के लिए, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब जल्दी से पॉइंट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट पढ़िए, विदेशी पर्यटकों को परमिट आधारित क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों की यात्रा हेतु संरक्षित क्षेत्र परमिट, यानी जो पीएपी की बात कर रहे थे, ठीक है, ये आवश्यकता होती है, बिल्कुल, ये हम लोगों ने सीखा था, सही है। दूसरा पॉइंट है वर्तमान न्याय व्यवस्था 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, ये भी हम लोगों ने सीखा था, ये भी सही है, ठीक है, ठीक। चलिए यहाँ पर और क्या पॉइंट्स हैं, तीसरा पॉइंट देखिए, यह एक यात्रा दस्तावेज है, ठीक है, बिल्कुल। चौथा पॉइंट है पीएपी और यहाँ पे क्या लिखा, आईएलपी, पीएपी आईएलपी के समान होता है, कहाँ होता है समान भाई, हम लोगों ने तो देखा ना अभी, दोनों में अंतर देखा, तो ये तो गलत है ना, तो 1, 2, 3 सही है यहाँ पर, ठीक है, 1, 2, 3 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक, समझ आया। चलिए तीसरा क्वेश्चन जल्दी से कीजिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देश की जीडीपी का क्या अर्थ है। जीडीपी आप लोग समझते होंगे, ठीक है, हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं दृष्टि विशिष्ट सीरीज में, ठीक है। अभी जो जीडीपी मेजर करते हैं वो मार्केट प्राइस पे मेजर करते हैं, ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पहले यूज करते थे, ठीक है, अब नहीं करते, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 बनाइए जल्दी से। 31वां क्वेश्चन, यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई से मेज़र क्या करते हैं, इससे मेज़र किया जाता है कि पहले गुड्स और सर्विस का प्राइस क्या था और आज के समय में गुड्स और सर्विस का प्राइस क्या है, इसमें जो एवरेज चेंज है, ठीक है, इसी को मेज़र करता है सीपीआई, ठीक, यानी आज के समय में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य पुराने समय की तुलना में कितना बढ़ गया है, ठीक है, ये मेज़र करता है सीपीआई, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये इन्फ्लेशनरी एक्शन को शो कर रहा है ना। जैसे एग्जांपल ले लो, सरसों का तेल 15 साल पहले 40 रुपये लीटर आता था, 40 रुपये लीटर, आज कितना है, 180 रुपये लीटर। गोलगप्पे आज के समय में 10 के 8 आ रहे हैं, है ना, और 15 साल पहले 10 रुपये के 40 आ जाते थे। सिगरेट गोल्ड फ्लेक 15 साल पहले 3.5 रुपये की हुआ करती थी, आज कितने रुपये की है, 10 रुपये की है। तो ये सब चीज़ें सीपीआई से देखी जाएंगी। तो मैं 15 साल बार बार बोल रहा हूँ, तो 15 साल को यहाँ पे बेस ईयर मान लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, मतलब एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, बेस ईयर यहाँ पे माना जाता है, तभी तो आप कंपेयर करोगे। जैसे मैंने एग्जांपल की तुलना 15 साल पुराने समय की है, तो आपने सीखा कि सीपीआई में प्राइस लेवल को मेज़र करते हैं किसका, गुड्स और सर्विस, जो गुड्स और सर्विस डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाती हैं, ठीक है, डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाती हैं, उपभोक्ता तक जाती हैं, इसलिए ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। और उपभोक्ता क्या करता है, सप्लाई करता है कि डिमांड करता है, डिमांड करता है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, मांग करता है उपभोक्ता, कंज्यूमर डिमांड करता है, इसलिए सीपीआई डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन करें हम लोग, इसको मिटा लें पहले, अब फटाफट कीजिए क्वेश्चन। यह किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक खाता है, तो ऐसा तो कुछ भी हम लोगों ने नहीं सीखा, कोई खाता था थोड़ी ना, ठीक है, ये तो प्राइस लेवल, प्राइस मूवमेंट को यहाँ पे मेजर करते हैं इससे, ठीक है। सीपीआई ऐसे गुड्स या ऐसे सर्विस के प्राइस लेवल को या फिर मूवमेंट को मेजर करता है जो किसी हाउस होल्ड के लिए कंजम्पशन के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है, तो यहाँ कोई खाते वाली बात नहीं है, तो पॉइंट नंबर 1 गलत है। और आपने तो अच्छे से सीखा ना सीपीआई क्या है, इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, ये करेक्ट है। आयातित वस्तुएं क्या एंड कंज्यूमर तक नहीं जाती हैं क्या, बिल्कुल जाती हैं, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट करेक्ट है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, प्रत्येक वस्तु यानी गुड्स, ठीक है, प्रत्येक वस्तु का उसके उत्पादन स्तर के अनुसार सीपीआई में भिन्न भारांश होता है, भारांश यानी वेटेज, उत्पादन स्तर यानी प्रोडक्शन लेवल, ठीक है, तो सीपीआई में भारांश जो है, वेटेज जो है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, नियत रहता है, भिन्न नहीं रहता है, अलग अलग नहीं रहता है, इसको और कभी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 भी गलत है, ठीक है, तो केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक, आगे बढ़े। चलिए 32 देखिए, फिएट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने इकोनॉमी में फिएट मनी पड़ी है ना, फिएट मनी जरूर पड़ा होगा, तो मनी तो जानते हैं, है ना, आपके पास मनी है, आपके पास नोट होंगे पर्स में, है ना, 100 का होगा, 500 का होगा, 2000 का होगा, और आपके पास कॉइन भी होंगे, ठीक है, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 1 का, 2 का, तो ये नोट हो गए, 5 का, 10 का, 20 का, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट हैं आपके पास, नोट है, नोट यानी ये पेपर मनी होगी, ठीक है, और इंडिया के अंदर ये नोट हर जगह चलेंगे, ठीक है, कोने कोने में चलेंगे, कोई इसको लेने से मना नहीं कर सकता, क्यों नहीं मना कर सकता, क्योंकि मोहर लगी हुई है गवर्नमेंट की कि ये 5 रुपये का है तो ये 5 रुपये का है, ये 2000 का है तो ये 2000 का है, चलेगा, ऐसे सिक्के हैं 5 रुपये का तो इसको भी कोई लेने से मना नहीं करेगा, 10 रुपये का सिक्का कोई लेने से मना नहीं करेगा, क्योंकि चल रहे हैं, गवर्नमेंट की मोहर लगी है, मोहर लगने से मतलब है कि गवर्नमेंट इस करेंसी को मेंटेन कर रही है, तो जब तक सरकार ऐसी करेंसी को मेंटेन अगर करती है, इसको बोलते हैं लीगल टेंडर, ठीक है, लीगल टेंडर, समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए कल की डेट कितनी है, 17 नवंबर 2021, मोदी जी ने घोषणा कर दी कि कल रात के 12 बजे से 2000 का नोट नहीं चलेगा, तो फिर इस 2000 के नोट की क्या वैल्यू रहेगी, कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी, वो सिर्फ क्या बन जाएगा, उसकी वैल्यू सिर्फ कितना है, सिर्फ वो पेपर है, वो एक पीस ऑफ पेपर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और 17 ही तारीख को 2000 के नोट के साथ साथ 10 रुपये के सिक्के की भी घोषणा हुई कि आज के बाद से 10 रुपये का सिक्का भी नहीं चलेगा, तो ठीक है सिक्का नहीं चलेगा, लेकिन सिक्का है क्या, सिक्का है क्या, सिक्का मेटल है,
ठीक है, आप पिघला के उसका कुछ भी बना सकते हो, मेटल की तो वैल्यू है ना, मेटल तो मार्केट में बिक जाएगा ना, इस पीस ऑफ पेपर का क्या करोगे? इसका मतलब क्या हुआ, कॉइन करेंसी में, यानी जो आपने मेटल अभी समझा, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, ठीक है, आंतरिक वैल्यू रहती है, इसको सीखे ना अभी कैसे रहती है। और 2000 का जो नोट बंद हो गया था, यानी ये पीस ऑफ पेपर की वैल्यू क्या रही, कुछ भी नहीं, इसका मतलब है कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ठीक है, आंतरिक वैल्यू नहीं है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी यदि इसका लीगल टेंडर ख़त्म हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा। चलिए इतना क्लियर है। अब जितने भी ये पेपर मनी हैं, पेपर करेंसी हैं, यानी नोट हैं, नोट करेंसी को बोलते हैं फिएट मनी, ठीक है, समझे, नोट करेंसी को क्या बोलते हैं, फिएट मनी, यानी ये 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, ये सब जो नोट थे, नोटों को बोलते हैं फिएट मनी। समझ में आया? अब जल्दी से फटाफट क्वेश्चन कर डालो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तब तक आप लोग स्टेटमेंट को पढ़ लो। पहला पॉइंट है, ये फिएट मनी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, फिएट यानी ये पेपर करेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, नोट के बारे में, इसका स्वयं का आंतरिक वैल्यू नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, किसी भी लेन देन के भुगतान हेतु, पेमेंट हेतु, देश के किसी भी नागरिक द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक गवर्नमेंट का लीगल टेंडर है, ठीक है, जब तक करेंसी गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, तब तक उसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता लेने से, ठीक, समझ में आया? तो ये पॉइंट सही है कि गलत है? ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक, ठीक है। चलिए कितना हो गया, 32 हो गया। चलिए 33 देखिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक सुपोषण में योगदान देते हैं? सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन पढ़े आप, यूट्रोफिकेशन बिल्कुल पढ़े होंगे हम लोगों ने, बहुत अच्छे से इन सबको सीखा है, ठीक है। यूट्रोफिक्शन एक तरह से क्या है, ये पोल्यूशन है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन। आप लोगों ने देखा होगा किसी वाटर बॉडी को, तालाब को देखा होगा, नाले आले को देखा होगा, उसके ऊपर पूरी, उस वाटर बॉडी के पूरे सरफेस पर, पानी के ऊपर पूरा हरा हरा जो एल्गी वगैरह होते हैं वो पूरा बिछ जाते हैं, पूरा ढक लेते हैं पानी को, ठीक है, उसी को बोलते हैं सुपोषण। जैसे इस पिक्चर को देखिए, ये दिख रहा, ये वाटर बॉडी पूरा ढक गई है, किससे, एल्गी से, आपको ये हरा हरा दिख रहा, पूरा ढक गया है, और इससे होगा क्या, और इतनी मात्रा में एल्गी इसमें पैदा कैसे हो गए? इसका मतलब है कि इस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भर गए, उन एल्गी का इतना पोषण हो गया है कि पानी का कुपोषण हो गया, एल्गी का तो सुपोषण हो गया, और पानी के साथ साथ जो पानी के अंदर जीव जंतु रह रहे हैं उनका तो कुपोषण हो गया ना, सुपोषण के बजाय। और ये जो पोषण इतना ज़्यादा बढ़ गया इस वाटर बॉडी का, वो किसके कारण हुआ, नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण, ठीक है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस कहाँ पे, आपने सीखा था पिछले क्वेश्चन में, खाद में है, एनपीके डाल रहे हो ना, और बारिश होगी, खेत में पानी जाएगा, तो पानी के साथ बह के आएगा कि नहीं आएगा एनपीके, ठीक है। लेकिन प्लांट ग्रोथ में जो पार्टिसिपेशन होता है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस का होता है, ठीक है, पोटेशियम का नहीं होता है, ठीक। चलिए वापस क्वेश्चन पे, ठीक है, तो सीखा आपने सुपोषण सीखा, यूट्रोफिकेशन सीखा, आपने नाइट्रोजन सीखा, आपने फास्फोरस सीखा, आपने पोटेशियम नहीं सीखा, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आ जाएगा इसमें, इनकी कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है, तो तीसरे और चौथे को तो रिजेक्ट कर दो, आंसर है केवल 1 और 2, ठीक, समझ आया। चलिए 34 कीजिए जल्दी से। 34 में पूछा, वल्लभ भाई पटेल साहब जो थे उन्होंने किन किन सत्याग्रह में भाग लिया था? खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, कब, 1918 में, ठीक है, गांधी जी लीड कर रहे थे इस सत्याग्रह को, उन्होंने शुरू ही किया था, लेकिन पार्टिसिपेशन पटेल साहब का भी था, ठीक है, पटेल साहब का भी था। नागपुर ध्वज सत्याग्रह 1923 की बात है, ठीक है, जब ऐसा कानून बना था कि हम अपने भारत के झंडे को ही नहीं फहरा सकते थे, ठीक है, उसके अगेंस्ट में ये सत्याग्रह लड़ा गया था नागपुर में, ठीक है, तो इसको लीड किया था पटेल साहब ने, ठीक है, इसको भी पटेल साहब ने लीड किया था, उस समय पे गांधी जी जेल में थे, ठीक है, तो ये भी सही है। बरसांड दंडात्मक कर सत्याग्रह, दंडात्मक कर यानी पेनोटिव टैक्स, तो ये लैंड रेवेन्यू में जो यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट में किया गया था, ठीक है, तो इसको भी रिप्रेजेंट किया था पटेल साहब ने, ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 35 देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एल्बर्ट विल विवाद से संबंधित है? एल्बर्ट विल विवाद हम लोगों ने सीखा था। रिपन साहब का, लॉर्ड रिपन साहब का बेहतरीन काम, ठीक है, 1883 की बात है, ठीक है, 1883, ये 85 तक थे ही, ठीक है, 85 के बाद डफरेन आ जाते हैं जब INC की स्थापना हुई थी। और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनको फादर ऑफ क्या बोलते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें इंडियन जजों को भी पावर दे दी गई थी, और कैसी पावर, कि यदि ब्रिटिश लोगों पर चल रहे मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, एल्बर्ट विल से पहले नहीं था, ठीक है, तो ये बात तो फिर पचेगी नहीं ना अंग्रेज़ों को, ये काला आदमी गोरों का मुकदमा कैसे सुन ले रहा है, ये इतने कब से विद्वान हो गए, ठीक है, तो इसका बी पॉइंट हो जाएगा, भारतीय मजिस्ट्रेट को यूरोपीय लोगों का मुकदमा सुनने के लिए अधिकार संपन्न बनाना, आपने सीखा पावर यहाँ पे बढ़ा देंगे थी इंडियन जज की, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति की मोहर पर अंकित नहीं है? आपने देखा था ना, इसकी इमेज भी देखी थी, फिर से दिखाएं, चलिए देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, देखो पहले बड़ा कर लें, ये मोहर है, ठीक है, ये टूटी हुई है, ये अभी ऐसी टूटी हुई अवस्था में है ही, अब मैं जूम करके एक एक जानवर को दिखा रहा हूँ, ये कौन सा जानवर दिख रहा है आपको, ये बाघ है, ठीक है, बाघ यानी टाइगर, ठीक है, टाइगर,
चीता मत बोलना, चीता बाघ अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, दोनों अलग अलग जानवर हैं। ये कौन सा जानवर दिख रहा है आपको? ये एलिफेंट है, ठीक है, वहाँ पर देख कर है ना, ठीक। आपको ये जानवर कौन सा दिख रहा है? ये राइनो है, ठीक है, राइनो यानी गैंडा। और ये क्या है? ये भैंसा है, ठीक, भैंसा। चार जानवर देख लिए, भैंसा देखा, राइनो देखा यानी गैंडा देखा, हाथी भी देखा और आपने बाघ देखा। एक जानवर और देखना है, और ये भगवान जो बैठे हैं पशुपति, पशुपति यानी गॉड ऑफ एनिमल। तो ये पलथी मार के बैठे, तो इस पलथी के नीचे देखिए आपको ये जानवर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये हिरन है, ठीक है। टोटल पाँच जानवर देखे आपने, ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन पे चलो, ठीक। तो आपने एलिफेंट देखा, हाथी देखा, भैंसा भी देखा, गैंडा भी देखा, सिंह थोड़ी ना था, ठीक है, सिंह की जगह क्या था? टाइगर था, ठीक है, टाइगर था, बाघ। तो यहाँ पर नहीं पूछा था, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए आगे करिए, 37 पे आ जाइए जल्दी से। 37 कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर निम्नलिखित में से विचार करना है, दूध का दही में रूपांतरण, लोहे पर जंग लगना। इन चारों ऑप्शन को पढ़ो और देखो किसमें केमिकल चेंज हो रहा है, किसमें सिर्फ फिजिकल चेंज हो। भौतिक परिवर्तन यानी आप लोग जानते हैं कि कोई चीज़ यदि दूसरी चीज़ में चेंज हो जा रही है तो वो वापस भी आ सकती है। ए चीज़ यदि बी में कन्वर्ट हो गई है तो बी ए बन सकती है, ठीक है, बी को आप ए बना सकते हो, ठीक। यानी भौतिक परिवर्तन में रिवर्सिबल सिस्टम चलता है, ठीक है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल से आप लोग अब समझ पा रहे होंगे, ठीक। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है, ए अगर बी में चेंज हो गया, ठीक है, तो दांतों से पसीना आ जाएगा, बी से ए नहीं बना पाओगे, ठीक। इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। कैसी है? इरिवर्सिबल है, ठीक, समझ में आया? तो जल्दी से देख लीजिए, दूध का दही में रूपांतरण, दूध से दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बना पाओगे, ठीक है, कितनी ताकत लगा लो। इसका मतलब है ये केमिकल चेंज हो गया इसमें, ठीक है। लोहे पर जंग लग गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, फिर से उसी फॉर्म में नहीं ला पाओ, यानी यहाँ पर भी केमिकल चेंज हुआ है। जल में चीनी का घुलना, तो भाई घोल दो, फिर चीनी और जल को फिर से भी आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, यानी यहाँ पे फिजिकल चेंज है। यहाँ पे जल का आसवन यानी डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, ये तो आसान सा है, ये फिजिकल चेंज है, सिंपल सा, ठीक। तो यहाँ पे केमिकल चेंज पूछा है, तो केमिकल चेंज वन और टू में हुआ है, तो एक और दो हो जाएगा, ठीक, सिंपल। चलिए 38 देखिए जल्दी से। फाइनेंस कमीशन, बहुत आसान सा, आर्टिकल 280। इसकी स्थापना कौन करता है, बनाता कौन है? प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, किस पावर से बनाते हैं? इसी पावर से बनाते हैं। आर्टिकल 280 में लिखा है, यानी संविधान में मेंशन है, और मेंशन होता है कोई भी बॉडी, ठीक है, तो उसे कौन सी बॉडी बोलते हैं? उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, यानी संवैधानिक संस्था बोलते हैं, ठीक, ठीक है। और ये फाइनेंस कमीशन है, इसमें मेंबर कितने रहते हैं? 5, यानी 1+4, ठीक है, 1+4 से हम लोग क्या समझते हैं? 1 यानी चेयरमैन, ठीक है, और बाकी 4 सदस्य कौन है? इन चार सदस्यों में हाई कोर्ट का जज हो सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट जज, या कोई फाइनेंस में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, यानी एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट हो वो रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फाइनेंस एक्सपर्ट, और ये फाइनेंस एक्सपर्ट कैसा? फाइनेंस अकाउंटिंग में, ठीक है। तीसरा सदस्य कौन होगा? वित्त के प्रशासन में भी वो एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो हम लोगों को ये सीखना है कि ये जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष कौन था? ये हाई कोर्ट के जज तो नहीं थे, जैसा पहला, जैसा दूसरा पॉइंट में लिखा है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, हाई कोर्ट के जज तो इन चार अन्य सदस्यों में से हैं, और अध्यक्ष की जो एलिजिबिलिटी लिखी है वो लिखा है कि सार्वजनिक मामलों में अनुभव होना चाहिए उस व्यक्ति को, ठीक है, यानी पब्लिक मैटर्स में अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एलिजिबिलिटी है अध्यक्ष की, ठीक है, ना कि हाई कोर्ट का जज। और इस तरह के जो कमीशन बनते हैं, आप लोगों को पता है, ये गवर्नमेंट को क्या एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, एडवाइस करती हैं, रिकमेंड करती हैं, ठीक है। और एक क्वासी ज्यूडिशियल बॉडी भी होती है, क्वासी ज्यूडिशियल बॉडी, इन सब बॉडियों के बारे में हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से, अब जल्दी से कर लीजिए, पॉइंट पढ़िए। नंबर 1 न्यायिक अर्ध न्यायिक निकाय, यानी क्वासी ज्यूडिशियल बॉडी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड 1 हम लोगों ने देख लिया, ये गलत है, इनका अध्यक्ष हाईकोर्ट का जज नहीं होता है, जबकि पब्लिक मैटर्स में एक्सपीरियंस आदमी होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इनकी अनुशंसाएं जो है वो परामर्शदायी प्रकृति की होती है, यानी एडवाइजरी नेचर की होती है, तो ये भी ठीक है, ठीक। चलिए यहाँ पे 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, 1 और 3 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 38 का सी हो गया। चलिए 39 कीजिए जल्दी से। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन पूंजी खाते से संबंधित है? भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, अभी आपने सीखा, आपने क्या सीखा था? इसमें हमें करंट अकाउंट जोड़ना पड़ता है, ठीक है, करंट अकाउंट, और इसमें हमें कैपिटल अकाउंट भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है, यानी पूंजी खाता। करंट अकाउंट यानी चालू खाता, कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है, इसकी जो बैलेंस शीट बनेगी, उसी बैलेंस शीट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट में कौन कौन सी मदें आती हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीख लिया। और ये भी सीखा था करंट अकाउंट में कि ये शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक। अगर IMF से लोन ली हो आप, IMF से लोन ली हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि 6 महीने के लिए लिए होगे, 1 साल के लिए लिए होगे, ये लॉन्ग टर्म लोन वगैरह IMF वर्ल्ड बैंक से ले जाते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म जो लोन होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। मोदी जी दूसरे देश गए, दूसरे देश के PM साहब से मिले, उन PM साहब को मोदी साहब ने 5,000 रुपये की घड़ी गिफ्ट में दे दी, ठीक है। यानी यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसा हो रहा? एक दिशीय हो रहा, यानी यूनिलेटरल हो रहा,
यूनिलेटरल मतलब समझ रहे हो, मोदी जी ने गिफ्ट दिया दूसरे देश के पीएम को, उस तरफ से कुछ नहीं मिला, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। तो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन जो है वो भी तो क्या है, तुरंत हो रहा ना ट्रांजेक्शन, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, ये करंट अकाउंट में आएगा या फिर कैपिटल में? ये करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है, करंट अकाउंट में, ना कि कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल में। मोदी जी अफ्रीकन कंट्रीज़ में गए और अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया ताकि इससे फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिले, ठीक है, अच्छे रिटर्न मिले, मुनाफा मिले। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी पूंजी खाते में आता है, ठीक है, पूंजी खाते में। कोई दूसरा देश इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये भी पूंजी खाते में आएगा, ठीक है। या फिर इंडिया किसी दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी हम उसके लिए भी FDI हैं और वो हमारे लिए FDI का अगर काम कर रहा है तो ये भी पूंजी खाते में आता है। तो आपने दोनों में सीख लिया, करंट में क्या आता है और कैपिटल में क्या आता है। तो यहाँ पे कैपिटल में बता दीजिए क्या क्या आता है, IMF का आपने देखा अभी लोन वाला हिसाब, ठीक है, तो ये बिल्कुल पूंजी खाते में आएगा। उपहार और दान, यहाँ पे गिफ्ट वाली बात हो रही है, और एक पक्षीय हस्तांतरण जो अभी हम लोगों ने सीखा ना यूनिलेटरल, तो ये तो करंट में आता है ना, तो ये तो नहीं होगा, दो जहाँ पे उसको कट कर दो, तो सी गया और डी भी गया, और एक दोनों में कॉमन है, यानी एक तो सही है ही, और तीसरे को और चेक कर लो। तो ये गवर्नमेंट द्वारा जो जारी किए जाते हैं बॉन्ड्स वगैरह, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल बॉन्ड्स, तो ये भी करंट अकाउंट बना के पूंजी खाते में आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल में आ जाएगा, तो ये भी काउंट हो जाएगा। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक, समझ में आया। चलिए 40 देखिए जल्दी से, 40 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वृष्टि छाया क्षेत्र यानी ये शेडो जोन पूछ रहे हैं, ठीक है, शेडो जोन के बारे में। शेडो जोन का निर्माण पर्वतीय वर्षा से संबंधित है, पर्वतीय वर्षा यानी माउंटेन रेनफॉल। तो आप इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया में आप वेस्टर्न घाट देख रहे हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे खूब बारिश होती है, रेनफॉल बहुत होती है, लेकिन इस पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से में यानी यहाँ पे जो मार्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत डाउन रहती है, और इसी क्षेत्र को बोलते हैं क्या, वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है, समझ में आया। जैसे ये कि पहाड़ है यहाँ पे रेनफॉल हो गई बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं, तो इस जोन को बोलेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र। और यहाँ पे रेनफॉल हो कैसे रही है, इस पर्वत के सहारे, इस ढलान के सहारे ही तो हो रही है, ठीक है, यहाँ से हवाएं ऊपर चढ़ी होंगी, ठीक है, ऊपर जाके कंडेंस हुई होंगी, ठीक है, उस तरफ बारिश नहीं हुई, इस तरफ बारिश हो गई, तो ये माउंटेन रेनफॉल तो है ही, ठीक है। तो पहला पॉइंट करेक्ट है कि गलत है, बिल्कुल करेक्ट है। कन्वेक्शनल कन्वेक्शनल रेनफॉल तो आप लोग समझते होंगे ना, जैसे ठीक है ये वाटर बॉडी है, ठीक है, समुद्र, सन की रेज डायरेक्ट ओवरहेड हो रही हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवरहेड हो रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं इस पानी पे, तो पानी क्या होगा, ये वेपराइज होगा, ठीक है, वेपराइज होगा, वेपराइज होकर ये क्या होगा, वेपर का मतलब वो भाप बन गई, भाप बन गई यानी एयर, एयर क्या एक्सपेंड हो गई है, ठीक है, एयर एक्सपेंड हो गई है, और जैसे ही वो एक्सपेंड होगी वो हल्की हो जाएगी, ठीक है, और जैसे ही वो हल्की होगी तो वो ऊपर चली जाएगी, ठीक, ऊपर चली जाएगी तो वो कंडेंस हो जाएगी, ठीक है, कंडेंस यानी संघनित हो जाएगी, और संघनित हो जाएगी तो पानी बरस जाएगा, इस चीज़ को बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। और ऐसी रेनफॉल कहाँ पे होगी, वेरी इजी, इक्वेटोरियल पे, क्योंकि वहीं पे सन की रेज ओवरहेड होती हैं। लेकिन बरसात तो तभी कराओगे ना जब पहले बादल बनाओगे, बरसात से बादल थोड़ी ना बनते हैं, बादल से वर्षा होती है, ठीक। तो इस तरह का फिनोमेनन अगर रहता है ना तो क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, क्यूमुलस, क्यूमुलस यानी कपासी, क्यूमुलस क्लाउड जैसे ही बनते हैं वो कैसी वर्षा कर देते हैं, कन्वेक्शनल टाइप कर देते हैं, ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया, यानी ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, समझ में आया। चलिए चलिए फिर, अभी इतना ही कर पा रहा हूँ रिकॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।